हेलो लवली पीपल, हम आ गए हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से उतर के गेट नंबर 10 से कर ली हमने एंट्री। पेटीएम से टिकट खरीदी ली थी। हॉल नंबर 12 जो है वहाँ पे थी ये मस्त गोल्ड की पवेलियन, वहाँ से ले ली फटाफट एक मॉम के लिए बहुत अमेजिंग सी चेन। थोड़े ही आगे बढ़ के देखी ये गोल घूमते घूमते टॉयज, जिसने हमारा भी सर चकरा दिया, बिकॉज यहाँ पे थे इतने अमेजिंग स्टॉल्स और इतने सारे फूड स्टॉल्स, कपड़ों के स्टॉल्स कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे हमें ही नहीं समझ आ रहा था। और इनके प्योर चिकनकारी सूट के तो क्या ही कहने, वाह। दर्शन वालों ने सजा दिया था बहुत ही सुंदर राम दरबार। भगवान का आशीर्वाद लेके हम बढ़ गए हाउस ऑफ हैंगिंग्स पे, जहाँ पे थे इतने अमेजिंग डिज़ाइंस। माय गॉड, इट वाज अमेजिंग। चलते चलते पता ही नहीं चला, इट वाज ऑलमोस्ट लंच टाइम, सुबह भी कुछ नहीं खाया था, तो आ गए यहाँ पे खाने के ऑप्शंस देखने। दिल्ली से उठाया मस्त पराठा और छोला कुलचा, खा के चले गए हॉल नंबर 7 पे, जहाँ था सरस का पवेलियन। और भाई लोग ये थे बहुत ही सरस, क्योंकि यहाँ पे थे इतने अमेजिंग हैंडीक्राफ्ट्स कि क्या ही बताएं। मतलब दिल कर रहा था हर पवेलियन से कुछ ना कुछ खरीदे, तो भैया मैंने तो एक्चुअली इतना ख़रीद लिया कि लोग हमें देख रहे थे ये कर क्या रहे हैं। पर जो भी बोलो, दिल कर रहा था हर एक पीस उठा के घर ले जाओ, बिकॉज इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग, जस्ट लाइक अ वाओ, एंड दीज आर लाइक जस्ट लाइक वाओ, क्या ही बताएं। और वाओ से याद आया, इंटरनेशनल पवेलियन जाना तो बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दैट्स लाइक वाओ वाओ वाओ। थाईलैंड पवेलियन पे तो इतनी भीड़ थी, लग रहा है लोग इसी को थाईलैंड मान के यहीं घूमने चले गए और सब कुछ यहीं से खरीद के चले जाएंगे। बट क्योंकि हम रिसेंटली थाईलैंड से होके आए, हम सीधा चले गए इजिप्ट पे इस हैंडसम को देखने के लिए। इसका सामान भी अच्छा था, बट हम इसको देख के खुश हो गए। तुर्की वाले तो यही अपनी खूबसूरत लाइट लेके आ गए, बट ये अंकल को यहाँ पे खड़ा कर दिया ताकि लोगों को संभाल सके। भैया ड्राई फ्रूट्स बोल जाओ, वो दिल्ली मार्केट में बहुत मिलते हैं, पर ये जो काजू किशमिश इन्होंने रखे हैं काउंटर पे बेचने के लिए, इनको कैसे खाएं, ये ना बिकते और मिलते भी नहीं बड़ी इजी। और यहाँ भी तो शॉपिंग एक बहाना है, हमको तो इनको देख के जाना है। क्या हुस्न है भैया, क्या हुस्न है। इसके बाद तो क्या ही था, मटका देखा, झरोखे देखे, सोचा था ले लूँगा, बट फिर सोचा छोड़ो। बट ये जब देखा ना मैंने, उफ, मेरा तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, मतलब रहा नहीं गया था। सोचा था दो चार तो खरीद ही डालूं। मैंने गौरव की आंखों को देखा, अपने जेब का टटोला और चुपचाप एक कचौड़ी और चाय लेके बैठ गया। बट थकावट के बाद चाय की क्या बात थी, ये तो बहुत ही अमेजिंग था। फिर वहां से आगे हम स्टेट पवेलियन, जहाँ पे ये कश्मीरी वर्क देखा, जहाँ पे ये अंकल इतने अमेजिंग माइन्यूट कश्मीरी वर्क कर रहे थे। फिर ये अंकल ऑटोमेटिक बना रहे थे रंगोली। ये था उनका मैजिक रंगोली मेकर। अपने कर्मों का बोझ उठा उठा के थक के हारे हम चल दिए और आगे, जहाँ पे हमने देखे इन एक्ट डांसर्स को जो आदिवासी वेश में फ़ोटो ले रहे थे, इस अंकल को जो बाउल सॉन्ग पे डांस कर रहे थे बहुत अमेजिंगली, और दुर्गा माँ के आशीर्वाद लेके वेस्ट बंगाल पवेलियन से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए उड़ीसा की तरफ, जहाँ पे इस बोट में लगा रखी थी बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस। यहाँ थे ब्यूटीफुल स्टैचूज ऑन कार्व्ड स्टोन्स, यहाँ थे जगन्नाथ जी की बहुत ही सुंदर एक झांकी, और इनका आशीर्वाद लेते हुए हम आ गए इस बोट की शक्ल देखने। और वहीं पे असम का था कामाख्या मंदिर का गेट, हरियाणा ने बनाई थी ये बहुत ही सुंदर महाभारत का म्यूरल। और जाते जाते देखा ये लाइव परफॉर्मेंस, जहाँ पे भीड़ इतनी थी कि बैठने की भी जगह नहीं थी हमारे लिए। हम वहाँ से निकल पड़े एग्जिट गेट की तरफ, जहाँ पे देखा ये सिंगर अकेले अकेले खाली एमपी थिएटर में ध्रुपद गा रहे हैं। मैं थोड़ी देर बैठा सुनने के लिए, बहुत बुरा लगता है जब उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है। खैर क्योंकि लेट हो रहा था, तो हम अपने गिल्ड का तशरीफ़ उठा के बाहर चले आए गेट नंबर 7 से, जहाँ देखा ये बहुत ही सुंदर रेनबो फाउंटेन। और इसी के साथ हम चले बाय।